आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बारिश के कारण पुणे में बड़ा हादसा, सोसाइटी की दीवार ढहने से 15 लोगों की मौत। G20 समिट में ब्रिक्स की भी अनौपचारिक बैठक हुई, मोदी बोले आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। भाजपा नेता और अफसर के बीच मारपीट, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष बैट लेकर मैदान में, बीजेपी विधायक ने धमकाया अधिकारी को। मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, अब तक भूपेश बघेल संभाल रहे थे जिम्मेदारी। और आकाश विजयवर्गीय विवाद में कूदी राखी सावंत, कहा कुछ बीजेपी नेताओं के बेटे पावर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। पुणे में बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया, इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा तेज बारिश के बाद एक सोसाइटी की दीवार ढहने से हुआ। पुणे में एक सोसाइटी की दीवार ढहने से 15 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दीवार मजदूरों के शेड पर गिरी, जिसकी वजह से मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसा शहर के कोडवा इलाके में हुआ। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी है। महाराष्ट्र में मानसून आने के बाद से ही भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मुंबई, पुणे सहित कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई में भी बारिश को लेकर 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। अब तक वहां भी 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जापान के ओसाका में 2 दिवसीय G20 समिट की शुरुआत हुई। G20 बैठक में ब्रिक्स की अनौपचारिक बैठक हुई, इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन भी शामिल हैं। ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। ये न सिर्फ मासूमों की जान लेता है, बल्कि इसकी नकारात्मकता आर्थिक विकास और धार्मिक सौहार्दता को प्रभावित करती है। हमें आतंकवाद को सहयोग करने वाले हर माध्यम पर रोक लगानी होगी। इसके पूर्व समिट में भारत, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भारत अमेरिका के बीच व्यापार, 5G, रक्षा क्षेत्र सहित कई मुद्दों पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई भी दी। पीएम मोदी ने इस पर उन्हें धन्यवाद दिया। ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका से 4 मुद्दों पर बातचीत हुई, इसमें ईरान, 5G, व्यापार और रक्षा क्षेत्र शामिल रहे। इसी दौरान मोदी ने JAI का मंत्र भी दिया। मोदी ने कहा कि जापान, अमेरिका और भारत को मिलकर साथ काम करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहतर हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है। हाल ही में 2 दिन की जम्मू कश्मीर की यात्रा से वापस लौटे अमित शाह ने सदन में ये प्रस्ताव रखा। वहीं दूसरी ओर शाह के इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया है। सांसद मनीष तिवारी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत के लिए बेहद अहम है। गृह मंत्री बनने के बाद से ही अमित शाह का जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने पर खास नजर बनी हुई है। हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर भी उन्होंने घाटी में आतंकवाद को रोकने के लिए उठाए जा रहे सेना और पुलिस के कदमों की समीक्षा की थी। शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों को आरक्षण मिले, आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस की बात भी उन्होंने कही। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को खास तौर पर निर्देशित किया। प्रस्ताव रखने के दौरान अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना जरूरी है, लेकिन शाह के इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया है। जम्मू कश्मीर से, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से आए हुए जो शरणार्थी थे उनका मसला हो, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे उनका मसला हो, उनके स्टेट सब्जेक्ट का विषय हो, हर विषय के अंदर इनिशिएटिव लेने का काम ये राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ है। बंकर नहीं बनते थे, जाने चली जाती थी, मवेशी मारे जाते थे, पशुधन मारा जाता था, कोई मुआवजा नहीं मिलता था। 50,000 रुपया एक भैंस मारे जाने पर और संख्या सीमित करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान हुआ है
और राष्ट्रपति शासन में, राज्यपाल शासन में वो कंटिन्यू। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के रस्को मॉडल के तहत रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नए कंस्ट्रक्शन में सोलर पैनल को जरूरी करने का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में पड़ी बंजर जमीनों में सोलर ऊर्जा का स्टोरेज किया जाएगा ताकि सौर ऊर्जा का उपयोग सही ढंग से हो सके। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कन्हैया सैया स्थित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 650 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया। कमलनाथ ने सौर ऊर्जा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार योजना बना रही है कि जो भी नए कंस्ट्रक्शन हो उनमें सोलर पैनल लगाना आवश्यक हो, कंस्ट्रक्शन के लिए सोलर पैनल लगाने की शर्त रखी जाएगी। विनोबा भावे पुरस्कार की घोषणा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि यह पुरस्कार मध्य प्रदेश और इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिलकर देगा। हम ये भी योजना बना रहे हैं कि जो भी नया कंस्ट्रक्शन हुए बिल्डिंग्स का, उसमें एक ऐसी शर्त हो कि सोलर पैनल्स लगे उसमें। भविष्य में जो भी बिल्डिंग्स आए उनमें सोलर पैनल लगाना कंपल्सरी होगा। कमलनाथ ने कहा कि सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे सोलर पंप अवार्ड दिया जाएगा। शिलान्यास समारोह के दौरान यह घोषणा करते हुए श्री नाथ ने कहा कि सरकार ई रिक्शा को बढ़ावा देगी, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही सस्ते परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बिजली स्टोरेज को बहुत बड़ा ऊर्जा का सोर्स बताते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में स्टोरेज के लिए काफी जमीन है, बंजर पड़ी जमीनों पर स्टोरेज की सुविधा की जाएगी ताकि दिन में सूर्य ऊर्जा को स्टोर किया जाए और रात में उसका उपयोग हो सके। रामनगर में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष राम सुशील पटेल, नगर पंचायत सीएमओ देवरत्नम सोनी के बीच का विवाद मारामारी तक पहुंच गया है। इस मारपीट में दोनों लोग जख्मी हो गए हैं। इस मामले में भी पुलिस की लापरवाही सामने आई। इस मारपीट के समय जिला मुख्यालय में डीआईजी का वार्षिक निरीक्षण चल रहा था। इस दौरान सीएमओ ने कई बार थाना प्रभारी को फोन लगाए लेकिन पुलिस की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उधर इस मामले में कुछ देर बाद नगर पंचायत अध्यक्ष भी घायल हालत में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। उन्होंने भी सीएमओ पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर डीआईजी ने एसपी से मामले की पूरी जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद में आज बैठक के दौरान ही हंगामा शुरू हुआ और मारपीट की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि बजट को लेकर लंबे समय से सीएमओ और अध्यक्ष के बीच खींचतान चल रही थी। कई बार अध्यक्ष ने सीएमओ को खुली चुनौती दी थी तो कभी सीएमओ ने अध्यक्ष को, लेकिन आज इस दोनों के झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सीएमओ ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अध्यक्ष के हौसले बुलंद होते गए और स्थितियां बिगड़ गई। टीआई सती मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 17 से 28 में 4 से 5 हितग्राहियों को राजेंद्र सिंह पूर्व विधायक के इशारे पर देवरत्नम सोनी द्वारा अपात्र कर दिया गया, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है। माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कलेक्टर महोदय द्वारा उनको पात्र किया गया था और सूची का अनुमोदन किया गया था। मैं उसी को लेके 4-5 लोगों को निलंबित किया। पीआईसी में बैठक में उनको निलंबित कर दिया। आवाज परिषद की बैठक होनी थी तो बैठक में जब ड्यूटी राकेश वर्मा की लगा रहा था, राकेश वर्मा को कल पीआईसी में निलंबित कर दिया गया था। मैं बोला कि आप जो व्यक्ति निलंबित है उसके अलावा दूसरे की ड्यूटी आप लगाइए। जब उनसे कहने गया तो मेरे साथ में मारपीट कर ले कि आपने 5 लोगों को निलंबित क्यों करवाया है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की तर्ज पर दमोह युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने भी दमोह नगर पालिका के लेखा अधिकारी अनिल गुप्ता को क्रिकेट का बैट दिखाकर धमकी दी है। बीजेपी नेता विवेक अग्रवाल दमोह नगर पालिका पहुंचे और उन्होंने लेखाधिकारी के कक्ष में जाकर क्रिकेट का बैट दिखाते हुए धमकी दी कि यदि ठीक से काम नहीं किया तो उन्हें मजबूर होकर विधायक आकाश की तरह इस बैट का उपयोग करना होगा। ये बात खुद विवेक अग्रवाल ने स्वीकार करते हुए बताई। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अग्रवाल का कहना है कि उनके वार्ड में अभी भी ऐसे 36 हितग्राही हैं जिन्हें पीएम आवास की किस्त नहीं मिली है, इस कारण उनकी छतों का स्लैब नहीं डल पा रहा है। कार्यालय में क्रिकेट का बैट लेकर बैठे अग्रवाल की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस ने मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अभी तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से 2 बार के विधायक
मोहन मरकाम और वरिष्ठ आदिवासी विधायक मनोज मंडावी ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और मंत्री टीएस सिंहदेव ने इन दोनों नामों की पैरवी राहुल गांधी से की थी। मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अभी तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई के लिए नए अध्यक्ष के मुद्दे पर रायपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन चला। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य के कई नेताओं से चर्चा की, जिसके बाद यह फैसला सामने आया है। राज्य में डेढ़ दशक बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं आए। 11 लोकसभा सीटों में से सिर्फ दो पर ही कांग्रेस को जीत मिली है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्ति चाह रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में अमरजीत भगत, मोहन मरकाम और मनोज मंडावी के नामों की चर्चा जोरों पर थी। इसको लेकर पार्टी में मंथन भी चल रहा था। इन तीन दावेदारों में से अमरजीत भगत को जहां भूपेश मंत्रिमंडल में जगह देने की तैयारी है, इस मामले पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी मरकाम और मंडावी से बात कर चुके थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फसल का उचित दाम न मिलने एवं मंडी सचिव के लचर रवैये से परेशान होकर किसानों ने कृषि उपज मंडी की गेट पर ताला लगा दिया। किसानों का आरोप है कि मंडी सचिव और दलालों के बीच मिलीभगत है, जिसके कारण सही दाम नहीं मिल रहे और किसानों के साथ अभद्रता की जा रही है। चुनाव आते ही सभी पार्टियों को किसानों का दर्द दिखने लगता है और वोट के चक्कर में किसानों पर राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। मामला गाडरवारा कृषि उपज मंडी का है, जहां किसानों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। मूंग के सही दाम न मिलने से गुस्साए किसानों ने पहले मंडी गेट बंद किया और कलेक्टर को मंडी बुलाने की बात पर अड़ गए। कुछ समय बाद एसडीएम राजेश शाह मंडी पहुंचे और किसानों की बातों को गंभीरता से लेते हुए किसानों और मंडी के अनाज व्यापारियों के बीच बैठक मामले को सुलझाया। रेट मेट तो चुनेगा बिन को रेट है, अपना रेट कहाँ किसान है, रेट तो बनाही को है। मन जाएगा जो माँ लिए का और दो प्रकार को लिया रहा तो के पे जा समस्या। किसान कम से कम 500 रुपया को नुकसान पक्को हो रहा होगा। माँ लिए का ही है तो ढेर जाम लगा दें मेरी भाई 5,000 बेच गई भाई 4.5 मांग रहा है। आज कृषकों का मूंग के रेट कम होने के कारण विवाद की स्थिति बन गई। इसमें व्यापारियों पर थोड़ा दबाव बनाया गया और तो उनके द्वारा कहा गया कि ऊपर जो दिशावर हमें दिख रही उस हिसाब से हम खरीदे। तो कृषकों की स्थिति यह है कि जो समर्थन मूल्य बनाया गया MRP जो निश्चित की गई है केंद्र गवर्नमेंट से, उस पर न बिकने के कारण आज यहाँ किसानों का हंगामा हुआ है। मौसम की मार झेल रहे किसानों को अब मंडी में भी उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। साठगांठ के कारण व्यापारी हर फसल समर्थन मूल्य से कम दाम में खरीद रहे हैं। सरकार भले ही बदल गई पर किसानों के हालात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों के मसीहा बन रहे कमलनाथ सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने पर क्या कार्रवाई की जाती है। यह फिर किसानों को उनके हाल में ही ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मंडी में इस समय मूंग की आवक हो रही है और इस बार मूंग की क्रॉप भी अच्छी हुई है। इसमें थोड़ा सा प्रबंधन में कमजोरी भी दिखी है। किसानों की मांग जो पहले से चली आ रही है, एक तो नीतिगत मामलों को लेकर है कि जो मूंग का भाव है वो उसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो उसके संबंध में है, जो रेट अपने हिसाब से वो चाहते हैं। दूसरा जो थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएँ होती उनका कहना है कि जो व्यापारी लोग हैं वो आपस में मिलजुल करके और मूल्य को नीचे गिराते हैं। इस संबंध में हमने अभी चर्चा की है, व्यापारियों से भी की है और किसानों से भी की है।
हम निरंतर निगरानी रखेंगे और इस प्रकार की गतिविधियां अगर साक्ष्य पाई जाती है तो हम निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में न बुलाए जाने से नाराजगंज बासोदा से भाजपा विधायक लीना जैन ने अपनी गरिमा को लांघते हुए डायरेक्टर को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। जनपद कार्यालय में हुई बैठक में विधायक ने धमकी भरे अंदाज में अधिकारी से कहा कि आप ग्यारसपुर में नौकरी नहीं कर पाएंगे। गंज बासौदा विधायक लीना संजय जैन ने ग्यारसपुर के जनपद कार्यालय में हुई बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी को धमकाते हुए कहा कि आप ग्यारसपुर में नौकरी नहीं कर पाओगे। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर लीना जैन ने शिक्षा विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। ग्यारसपुर क्षेत्र में कृषि विभाग के आयोजन की जानकारी विधायक को न देने एवं उसमें पूर्व विधायक को आमंत्रित करने को लेकर विधायक गुस्से में थी। कृषि विभाग के अधिकारी चौधरी को फटकार लगाते हुए विधायक लीना जैन ने कहा कि आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीज वितरण कार्यक्रम में अधिकारियों ने पूर्व विधायक को बुला लिया जबकि बीज वितरण करवाया और प्रोटोकॉल के नियमानुसार वर्तमान विधायक की उपस्थिति में ये होता है। लीना जैन का कहना था कि ग्यारसपुर में शिक्षण सत्र की शुरुआत को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया गया एवं किसानों को किट वितरण के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में भी जानकारी नहीं दी गई, इसीलिए अधिकारी को ठीक तरह से काम करने के लिए नसीहत दी है। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि, कृषि सभापति प्रतिनिधि और पूर्व विधायक। पूर्व विधायक किस हैसियत से थे वो उपस्थित वहाँ पे? प्रोटोकॉल में थे वो? विधायक नहीं था प्रोटोकॉल में? चौधरी जी आप समझ जाइएगा, आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप ग्यारसपुर में नौकरी नहीं कर पाएंगे। डांसर और टीवी आर्टिस्ट राखी सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के कुछ नेता और उनके बच्चे अपना पावर दिखाने से बाज नहीं आते, ये अच्छी बात नहीं है। राखी का निशाना इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय पर था। राखी इंदौर में मीडिया से बात कर रही थी। राखी सावंत ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के तरीके को लाइक करती हैं। मोदी रॉक्स करके उन्होंने कहा कि अगले 20 साल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी के आने से महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। विकास के मामले में भी बहुत काम हुआ है। मीडिया कर्मियों ने राखी से जब विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय की हरकत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा बीजेपी सरकार अच्छी है लेकिन कुछ नेता और उनके बेटे पावर दिखाते हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है लेकिन कुछ नेता या उनके बच्चे होते हैं वो पावर दिखाते हैं और मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं देश बनाने के लिए लेकिन कुछ लोग ऐसे गंदा पावर दिखाते हैं, दोस्त जमाते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक यूथ रहना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे गरीबों पर ऐसे अत्याचार नहीं करने चाहिए। एंड अभी ये 5 साल मिले हैं और 10 साल हुए हैं, आगे के 20 साल भी उन्हीं के हैं, मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता और वो उनके आने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सॉल्व हुए हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं और काफ़ी विकास हुआ है। राखी ने बताया मुझे फिल्मी दुनिया में बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, कई लड़कियां होती हैं जो 1-2 साल में हिम्मत हार जाती हैं, इन्हें हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा बचपन गरीबी में बीता, 5 साल के संघर्ष के बाद मुझे सफलता मिली। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रहती हैं, जब भी कुछ बोलती हूँ तो बवाल मच जाता है। इस बारे में कहना चाहती हूँ कि मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। अब जब लड़के बोल सकते हैं तो लड़कियों को बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय के निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई करने के बाद उन्हें जेल भेजने से नाराज समर्थकों ने खुद पर घासलेट डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। विजयवर्गीय समर्थकों ने राजवाड़ा में विरोध धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहां भी समर्थकों ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा नगर निगम अधिकारी की पिटाई पर अब सियासत तेज हो गई है। जहां एक ओर नगर निगम कर्मचारी विधायक की मारपीट का विरोध कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी के कार्यकर्ता विधायक के समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कुछ समर्थकों ने घासलेट डालकर आत्महत्या भी करने की कोशिश की। इंदौर के राजवाड़ा में विधायक समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन कर आत्महत्या की कोशिश की है। यह मामला दूसरा है जब आत्महत्या की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस और लोगों की मुस्तैदी के चलते घटना को अंजाम देने से रोक लिया गया है। गरीबों की बसियां हुई है, लोकल का क्या, गरीबों की बसियां।
सहकारी मंत्री गोविंद सिंह ने विधायक आकाश विजयवर्गीय के नगर निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई पर भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जैसी संस्कृति और ट्रेनिंग दी गई है वो वैसा ही कर रहे हैं। राहुल गांधी के नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने को लेकर गोविंद सिंह ने कहा कि जब लोकसभा में जनता ने पसंद नहीं किया है तो हमें अपने पदों को त्याग देना चाहिए। राहुल गांधी के नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने को लेकर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राजनीति में नैतिकता नहीं रहेगी तो मान सम्मान भी नहीं रहेगा। मेरा कहना तो ये है कि अगर जनता ने हमें पसंद नहीं किया तो हमें पद त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने एक साल पहले दीपक बावरिया जी के कहने पर उपाध्यक्ष पद से चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा दे दिया था। कमलनाथ के इस्तीफे की पेशकश वाले बयान पर कहा कि यह उनका निजी बयान है। इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी संस्कृति है वैसा वो काम कर रहे हैं। जिनको लोगों को बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती हो कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में लो, वैमनस्य भाईचारे को तोड़ने का कैसे काम हो सकता है, धार्मिक भावना उन्माद करा के देश को कैसे बांटा जा सकता है, इन प्रकार की ट्रेनिंग शुरू से ही बचपन से उनके माँ बाप ने माता पिता ने दी और बची खुजरी संघ में जिस प्रकार की ट्रेनिंग सबको मिली है उसका वो उसी का उदाहरण है, उसी का प्रतिफल है कि इस तरह के ये कृत्य कर रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय के बैट कांड के बाद अब मामले ने सियासी रूप धारण कर लिया है। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था हाथ में लेकर उन्माद पैदा करने का कार्य भाजपा द्वारा किया जाता है। इनकी शाखा में ऐसी ही ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा माँ बाप ने सिखाया है वो वैसा ही कर रहे हैं। कई पीढ़ियों से राज परिवार से जुड़े पूर्व पार्षद कैलाश नारायण गुर्जर की धर्मपत्नी समाज सेवी पुष्पा देवी का राघवगढ़ में निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कई राजनेताओं, समाज सेवियों और अधिकारियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। रिटायर्ड एसओ एमपीबी और पूर्व पार्षद कैलाश नारायण गुर्जर की धर्मपत्नी समाज सेवी पुष्पा देवी का गुरुवार को निधन हो गया। इसके चलते गुर्जर परिवार शोकाकुल है। पुष्पा देवी के निधन पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित राज परिवार ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। श्रीमती पुष्पा देवी का अंतिम संस्कार राघोगढ़ धीरापुर में किया गया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। करीब 4 साल पहले रीवा से लापता हुए एक 25 वर्षीय युवक की सूचना पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद होने की मिली। युवक की पहचान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रीवा पुलिस से युवक के मूल दस्तावेज मांगे हैं। पाकिस्तान की जेल में होने की खबर से युवक के परिजन सकते में हैं। करीब 4 साल पहले रीवा से एक 25 वर्षीय युवक लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट करवाई गई थी। रीवा पुलिस को अब यह सूचना मिली है कि यह युवक पाकिस्तान के लाहौर की जेल में बंद है। युवक की पहचान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रीवा पुलिस के युवक के मूल दस्तावेज मांगे हैं। लापता हुए अनिल साकेत के पाकिस्तान में होने की खबर जैसे ही उसके गांव में पहुंची तो हर कोई आश्चर्यचकित था। परिजनों ने पीएम से अपील की और कहा कि प्रधानमंत्री मेरे पुत्र की सहायता करें ताकि वह घर वापस आ सके। मोदी जी सबकी मदद करते हैं और मुझे यकीन है कि वह मेरी भी सहायता करेंगे। गायब हैं 2015 में। 2015 में कई साल हो गया? 4 साल लगा है। अच्छा, तो अपना का कस के पता चली कि? पता हमका नहीं चली, आई रही मौका करे पुलिस आई रही। कहाँ की पुलिस? नई गढ़ी। तो बोलिन कि लड़का हैरान है, पाकिस्तान में 3 साल से बंद है। तो उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी सब ले आ कर दे तो हम लग जाए के जमा करब तो वहाँ लड़का आई जाए। तो फिर वहाँ से आन तो पूरा रिकॉर्ड लेके गए गांव में, तो पूरा देहन तो फोटो कॉपी करा के यहाँ से लग गए। अब मोदी जी से यह कहा चाहिए थी कि हैरान भूलान हवाई आए तो कुछ राई रक्षा कर देते, कौनो सहाय कर देते तो आई जात, हमारा लड़का आई जात। और तो जो सुविधा मोदी जी खूब देला साफ कर देला हाँ। पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से हमें एक पत्र मिला है जिसमें पाकिस्तान की जेल में बंद एक युवक के संबंध में हमसे जानकारी मांगी गई है। फोटो और अन्य जानकारियां जिले के गांव से 4 साल पहले गुमशुदा हुए एक युवक से मिल रही है, जिसके बाद पुलिस जाँच में पाया गया कि अनिल साकेत नाम का युवक जिले के नाईगढ़ी थाना क्षेत्र के छदन हाई
गांव का रहने वाला था, जो कि 10 जनवरी 2015 से लापता था। एसपी ने बताया कि जानकारी भारत सरकार को भेज दी गई है। हालांकि अनिल को भारत कब तक लाया जा सकेगा, इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें उन्होंने अनिल कुमार नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ डिटेल्स भेजे थे, और इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग को पूछा था कि क्या इस नाम का व्यक्ति इस तरह की फोटोग्राफ का और इस गांव में क्या निवासरत रहा है कभी। और उसके बाद हम लोगों ने जब पुष्टि की तो 2015 से नईगढ़ी थाने में ये एक व्यक्ति है, जिसके सरनेम में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बाकी फोटोग्राफ्स और जो और डिटेल्स हैं वो उसी से मैच कर रही हैं, और वो यहाँ पे गुमशुदा है 2015 से। तो संभवतः वही व्यक्ति है जो जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछताछ कर रही है, और वो संभवतः पत्राचार से ही पता चल रहा है कि वो शायद पाकिस्तान की किसी जेल में निरुद्ध है। तो हम लोग ने ये डिटेल्स यहाँ से वेरिफिकेशन करके भेजना था, वो भेज दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, वही एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रही है आ रही है। मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वहीं खड़ा हुआ था। मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, मैं वो समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे रहे, पैसेंजर से आ रहा है कैसे आ रहा है। मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते, और फिर मेरे को समाचार पढ़ने तो मैं इधर आ गया, बता रहा हूँ। अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने किया तेल का मचाया, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे बूंद बूंद को तरस गए लोग। और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी हो, पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रहा हूँ। ये सवाल के रखो पानी को, वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे बेल्लूर थे ना, टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई। ये थी तो हालत हो जाती है, बता रहे हूँ। पानी की इज्जत करो। हाँ और भैया ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है, बता रहे हूँ। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं, बता रहे हूँ। हमले तो बढ़ेंगे ही भैया, जब पानी कम हो जाएगा बेचारे कहाँ जाएंगे निकल के, क्या हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे, तो ये तो अब चल जाए। और भैया अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठनी है, बता रहा हूँ। अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना, इधर से उधर से ये देखने को मिल सकता है, बता रही हूँ। ये सब उनमरा है, इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने, उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना, वही स्थिति बन रही है, बता रहा हूँ। मैंने समझा लो इनको, पकड़ लो भैया। हाँ बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहती गर्मी हो रही है। हाँ भैया खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है, वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए, बताओ। वो 22 फीट ऊँची दीवार कूद काद के भाग गए। मैं बता रहा हूँ पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है, हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है, दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग, ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है उनका अभी ट्रांसफ़र हो गया, अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, वो पहुँचे। वो भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीवी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो, रुक जाओ, मेरा दोबारा था फिर से ट्रांसफ़र हो गया। ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। आप मॉल जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे, उसमें अपना वोट डाल दो। ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए, बता रहा हूँ। यह भी बहुत आलसियों की कमी नहीं है, बता रही हूँ। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई, क्रिकेट मैच में भी नेक टू नेक ऐसा भस गया, पसीने छोड़ गए इनके जीतने में, बता रहा हूँ। हल्के में मतलब भैया किसी को बता रही हूँ, वर्ल्ड कप है ये। हाँ कौन कब चल जाए क्या चल जाए, अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, इनको भी हल्के में मत लेना, बता रही हूँ। अभी विराट कोहली का फोन आ रहा है हमें, मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको। तो ये नमस्कार, मैं जा रही हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।